हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ने अपनी टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन की जारी कर दी है। और ये डेट जो एग्जामिनेशन की आई है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित आई है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी आपके एम ई है, एम एस सी है, एम कॉम है या एल एल एम है, फर्स्ट सेमेस्टर की ये डेट शीट है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल में आपका जो मेन है और बैक पेपर, क्योंकि जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो श्रीदेव सुमन हो, चाहे एच एन बी गढ़वाल हो, चाहे आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, सभी के एग्ज़ाम एक साथ होते हैं। बैक भी और मेन भी, और पेपर भी दोनों का सेम ही आता है। तो एग्जामिनेशन शेड्यूल देख लेते हैं, मास्टर प्लान क्या बना रखा है इन्होंने। चलिए, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी 2 घंटे की ही पेपर कराती है। और श्रीदेव सुमन में पहले 3 घंटे के होते थे, लेकिन अब वहाँ पर 2 घंटे के पेपर होते हैं। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 20 तारीख से, यानी कि 20 मार्च से शुरू है। 20 मार्च में जो एमए के सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। एमएससी भी, एमकॉम भी और एलएलएम भी। एमए नहीं है, ठीक है, एमएससी है, एमकॉम है और एलएलएम है। तो आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने ऊपर तो नहीं दिया है एमए के बारे में, लेकिन इन्होंने एमए यहाँ पर आपका ऐड किया है, ठीक है। यहाँ भी एमए ऐड किया है इन्होंने, और यहाँ भी एम ए ऐड किया है स्लैश करके। तो आप देख सकते हैं स्टैटिक्स यहाँ पर एम ए का दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका 22 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पेपर सबके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को आप पोस्ट करके देख सकते हैं फिर। लेकिन ये टेंटेटिव डेट है, तो आप इसमें ज़्यादा ना वो करें, क्योंकि आपका जो थर्ड पेपर है वो 24 तारीख में होने वाला है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका फोर्थ पेपर जो है वो 27 में होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो हो ही रहे हैं सबके, और मुझे लग रहा है यहाँ पर जो अगर एम ए में ये सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं, तो आपका भी पेपर है। वैसे ये पेपर जो है एम एस सी, एम कॉम और एल एल एम के हैं। आगे हैं यहाँ पर 29 में आपकी जो सब्जेक्ट है, फिफ्थ पेपर यहाँ पर होना है। इसके बाद 31 में, यानी कि 31 मार्च को आपका सिर्फ एम कॉम का और एल एम का पेपर है। तो आप चेक कर लीजिए आपकी डेट शीट सही है या नहीं। वैसे ये टेंटेटिव है, दूसरी अगर फाइनल डेट शीट जैसी ही आती है आप तक पहुंचाते हैं, तो बने रहना है। तब तक हिंदी मिरर के साथ लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही स्टूडेंट डेट शीट का, एग्जामिनेशन शेड्यूल का, रिजल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं, अगर आप शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और साथ में हिंदी मिरर के से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करके हिंदी मिरर से भी जुड़ जाइए।